हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप कोई नया स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हैं 25 से 30 हज़ार रुपये में, तो हो सकता है ये वाला फ़ोन आप लोगों के लिए आइडियल साबित हो। तो वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना, क्योंकि इस फ़ोन के बारे में हम सारी बात करेंगे, इसके फीचर्स, फ़ोन रिलीजिंग डेट, प्राइस वगैरह सब। तो मेरा टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अभिनव सक्सेना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल ऑल इन वन अभिनव। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप सर्च कर रहे हैं, बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं और आपको कोई फोन नहीं मिल रहा है 25 से 30 हज़ार रुपए के अंदर, आप लोग ऐसा चाहते हैं कि यार मुझे सारे फीचर, फुल्ली लोडेड फीचर वाला फ़ोन चाहिए जो कि मुझे 25 से 30 हज़ार रुपए में देखने को मिल जाए, तो वो है वन प्लस नॉट थ्री। हाँ दोस्तों, नॉट थ्री काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, और मतलब वन प्लस के इवेंट होंगे उसमें ये लॉन्च होगा वो देख जाएगा। अभी तक रूमर्स के अकॉर्डिंग इसकी जो लॉन्च डेट है वो कंफर्म नहीं की गई है, बट हाँ फेब में कोई इवेंट है वन प्लस का, वहाँ पे आपको नॉट थ्री डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अब प्राइस रेंज भी मैंने बताई है, प्राइस रेंज मैंने वीडियो के आखिरी में बताई है, तो वीडियो को पूरा देखना। अब बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर आने वाले कुछ शानदार फीचर्स के बारे में। अब अगर मैंने बोला है कुछ शानदार फीचर्स, तो उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो है हमारा MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर माना जा रहा है, और MediaTek का शायद सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर यही है MediaTek Dimensity 1200। तो यहाँ पे जो क्लॉक स्पीड इस प्रोसेसर के अंदर आपको देखने को मिलेगी वो 3 GHz की होगी। तो यार मतलब अभी तक जितने भी प्रोसेसर आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, शायद मेरे हिसाब से अभी तक कोई भी ऐसा प्रोसेसर नहीं है जिसके अंदर आपको क्लॉक स्पीड 3 GHz देखने को मिलती है। अब कुछ लोगों को नहीं पता है कि इससे क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। आपका जो प्रोसेसर रहता है उसकी परफॉर्मेंस जो रहती है, वो स्मूथनेस रहती है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म देता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है अगर क्लॉक स्पीड ज़्यादा होती है तो, बिकॉज उस टाइम पे मल्टी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है और आप जितने जल्दी से स्क्रॉलिंग करते हैं वो ईजी हो जाता है। तो काफ़ी सारे प्रोसेसर यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें मैक्स टू मैक्स आपको 2.8 GHz देखने को मिलेगा, बट वन प्लस एक वरदान लेके आया है आप लोगों के लिए पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। वन प्लस के अंदर जो ये प्रोसेसर आएगा MediaTek का Dimensity 1200, इसके अंदर आपको 3 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें कि यार प्रोसेसर तो आपने बता दिया, प्रोसेसर बहुत अच्छा बता दिया, और मतलब इतना बढ़िया प्रोसेसर आने वाले टाइम पे आपको इससे भी बढ़िया बढ़िया देखने को मिल जाएंगे, पर इस प्रोसेसर का जो यूज़ होगा वो हमारी डिस्प्ले पे होगा। तो डिस्प्ले के बारे में बताइए, तो हम डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली 6.67 इंचेस की आएगी, बट अगर वन प्लस 6.67 इंचेस की डिस्प्ले देता है तो हो सकता है नॉट थ्री जो फ़ोन है वो बाकी जितने भी फ़ोन होंगे वन प्लस के स्क्रीन साइज में उन सबसे बड़ा हो, और हो सकता है वन प्लस का अभी तक कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं आया जिसकी स्क्रीन साइज 6.67 इंचेस रहे, तो ये हो सकता है कि स्क्रीन के मामले में सबसे बड़ा हो। पर जहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ वन प्लस की साइड से, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ लगेगी। तो मतलब बॉस रिफ्रेश रेट अच्छा दे दिया, तो डिस्प्ले और बढ़िया कर सकते थे ना। आई एम एक्सपेक्टिंग सुपर एमोलेड, बट सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले, मतलब क्यों वन प्लस, क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? पर अब कर दिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो वन प्लस ये कर चुका है, यहाँ पे आपको 6.67 इंच की डिस्प्ले जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले होगी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आएगी, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जिसकी वजह से हम लोग, मतलब मेरे जैसे भाई लोग, आप लोग, मेरे दोस्त लोग, सब लोग वन प्लस की साइड भाग रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि हमें वन प्लस मिल जाए क्योंकि हमारी फोटोज बहुत अच्छी क्लिक करेगा। हाँ मतलब बेसिकली हम बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में, तो कैमरा के पर्सपेक्टिव से वन प्लस के फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, और मेरे मतलब मेरा मानना यही है और मेरे फ्रेंड्स का मानना भी यही है कि वन प्लस लेना चाहिए। अगर आप कैमरा लवर हैं, आपको फ़ोटोज़ क्लिक करना पसंद है और आपको कोई इंस्टाग्राम हैंडल है बढ़िया सा जिसपे आप बहुत सारी अपडेट करते हैं,
तो आप लोगों के लिए फोन बहुत अच्छा होगा। बाय द वे मेरे को अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहीं पे हम हमारे सारे गिव अवेज के विनर और कौन सी वीडियो आने वाली है, किस टॉपिक पे आने वाली है और आप लोगों के लिए क्या मेरे चैनल पे नया है, वो सब मैं वहाँ अपडेट करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी। आपके इंस्टाग्राम को अपडेट करने के लिए वन प्लस लेके आ रहा है ये बहुत ही शानदार फोन, जिसके अंदर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा जो है वो आपको देखने को मिलेगा 50 मेगापिक्सल का। उसके बाद वाइड एंगल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा 15 मेगापिक्सल का। उसके बाद वाइड एंगल जो है वो आपको 12 मेगापिक्सल का देखने मिल जाएगा। वाइड एंगल नहीं है, सिर्फ वाइड नहीं, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों यार, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल सेकेंडरी और थर्ड कैमरा टेलीफोटो लेंस 5 मेगापिक्सल। बॉस तीनों जो कैमरा है इसका प्रॉपर यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अब कई सारे स्मार्टफोन कंपनीज कैमरास तो भर भर के दे दिए, मतलब 3 कैमरा 4 कैमरा आपको दे दिए हैं, पर उनका यूज़ नहीं होता है। बट यहाँ पे आपको यूज़ देखने को मिल जाएगा क्योंकि तीनों कैमरा अच्छे हैं। 50 मेगापिक्सल अपने आप में बहुत ही अच्छा जो आपका मेन कैमरा रहने वाला है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। प्लस अगर आप लोगों को पसंद है फूल पत्तियों की फ़ोटो लेना और काफ़ी सारे मतलब टेलीफोटो लेंस से फ़ोटो लेना और काफ़ी मतलब स्मूथ शॉट लेना, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो 5 मेगापिक्सल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब एक डिसअपॉइंट वाली चीज़ मेरे को यहाँ पे देखने को मिली है कि इस फ़ोन के अंदर अभी तक के रूमर्स के हिसाब से 4K रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो यार अगर कोई व्लॉगर इसको देख रहा है या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर देख रहा है या फिर कोई चाहता है कि वो आगे जाके कोई ऐसा फ़ोन परचेज करे जिससे वो बहुत ही अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सके, तो आप इस वीडियो को यहीं पर ड्रॉप आउट कर दीजिएगा। बिकॉज वाइड एंगल कैमरा तो ठीक है बट 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में ये नहीं कहता हूँ कि प्रॉपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाए, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो अगर 4K का नाम होता उसमें क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती, बट यहाँ पे तो सिर्फ फुल HD बोला है तो फुल HD वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि वो आप अल्ट्रा वाइड एंगल से भी कर पाएंगे क्योंकि उतने ज़्यादा अच्छा वन प्लस नहीं दे रहा है। जैसे वन प्लस 9 RT की मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ। उसके अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी बट उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है वन प्लस नॉट 3 के मुकाबले। तो मेरा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, मेरा मतलब मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया हूँ ये सारी न्यूज़ पढ़ने के बारे में, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे वन प्लस नॉट 3 से। वन प्लस नॉट बहुत अच्छा हुआ, 2 में थोड़े बहुत कांड हुए थे, 3 काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने की उम्मीद थी, पर अब मेरे को थोड़ा थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि यार ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा जैसे जैसे लीक्स आते जा रहे हैं। और मतलब कैमरा अच्छा है, अगर आप सिंपल फोटोग्राफी के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं, बट जो भी मेरे व्लॉगर दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो भी मेरे कंटेंट क्रिएटर वीडियो क्रिएटर दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों को अब बोलूँगा कि प्लीज़ इस फ़ोन का वेट मत करना, क्योंकि मुझे अभी जो भी इसके रूमर्स आ रहे हैं उस हिसाब से ये फ़ोन अपने से लोगों के लिए नहीं है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी उल्टी चीज़ कर दी है वन प्लस ने। रेयर कैमरा में आपको वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, बट वन प्लस ने जो फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा होता है वो अपडेट कर दिया है। अब अपडेट से मैं कह रहा हूँ तो आपको नॉर्मली देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल, बट यहाँ पे आपको जो सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा और वो भी अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ में। लीक्स चेंज होते जा रहे हो, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देगा, आई डोंट थिंक उसका ज़्यादा मतलब निकलेगा। तो मतलब 32 मेगापिक्सल तो आपको देखने को मिल रहा है, मतलब जो आपकी सेल्फी आने वाली है सेल्फी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आने वाली है। बट मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा, मतलब अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि ये चीज़ सही है या गलत है, पर 32 मेगापिक्सल देने के बाद आप फुल HD रिकॉर्डिंग दे रहे हैं और पीछे आपके 50 मेगापिक्सल है, 32 आप आगे दे रहे हैं वो भी अल्ट्रा वाइड एंगल बोल रहे हैं, 12 आपने पीछे दिया है वो भी अल्ट्रा वाइड एंगल है, मतलब चीज़ें थोड़ी सी मिसमैच हो रही हैं यहाँ पे। बट ठीक है, अभी लीक्स तो यही आए हैं तो मेरा काम है आप लोगों को लीक्स बताना, वो मैं बता रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अपडेट मिलती जा रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे इस फ़ोन के अपडेट्स के बारे में। बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पे 5000 mAh की आपको देखने को मिल जाएगी, 120Hz वॉट का ब्रैप चार्जर जो वन प्लस का होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा डिसेंट है, मतलब
हाँ 1 घंटे 10 मिनट के अंदर अंदर आपका जो 5000 mAh है वो चार्ज हो जाता है। तो बैटरी के मामले में बहुत अच्छा फ़ोन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी लॉन्च डेट के बारे में, क्या आप लोगों को इस फ़ोन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यार मतलब मैं खुद अभी कंफ्यूज हो चुका हूँ इस फ़ोन को लेके, बट अगर आप लोगों की जगह मैं होता तो डेफिनेटली मैं इस फ़ोन के लिए वेट नहीं करता। रीज़न बिहाइंड दैट कि अभी जो लीक्स आए हैं उसके अंदर पहले ही सुनने को मिल रहा था कि 4K रिकॉर्डिंग होगी और पीछे भी 12 MP का वाइड एंगल कैमरा है और आगे 32 है। तो अगर ये कैमरा स्वैप होते तो डेफिनेटली मैं इसके लिए वेट करता, बट अभी मैं इसके लिए बिल्कुल वेट नहीं करूँगा अगर मेरा मानना है तो। अब कौन से मेरे दोस्त, कौन से मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको डेफिनेटली इस फ़ोन के लिए वेट करना चाहिए, तो वो मेरे दोस्त हैं जो जिनको फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है और जो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं और जो एक ऐसा फ़ोन सर्च कर रहे हैं जो आपको डिसेंट प्राइस रेंज में बढ़िया फ़ोटो क्लिक करके और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दे रहे, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन के साथ में जा सकते हैं क्योंकि ये फ़ोन बहुत ही अच्छा होगा फ़ोटोग्राफी के लिए। पीछे अगर मैं बोलूँ रेयर कैमराज के बारे में तो जो 50 MP का कैमरा है उससे अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मतलब आप चलते चलते वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो जो शेकीनेस आती है वीडियो में वो आपको नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको एक सुपर स्मूथ वीडियो फुटेज देखने को मिल जाएगी जो कि OnePlus का स्टेबल मोड है उसमें आता है और ये काफ़ी अच्छा मोड होता है, मैंने खुद ने यूज़ किया है। मेरे OnePlus Nord में भी था, 2 में भी था और 3 में भी ये होगा, तो बहुत अच्छा फीचर है, आपकी वीडियो शेक नहीं करती अगर आप बनाते हैं। वहीं पे अगर फोटोग्राफी के बारे में बात करें तो नाइट में जो OnePlus Nord था उसका जो नाइट मोड है उसमें जब आप फोटो लेते हैं तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, बट वही चीज़ अगर आप OnePlus Nord 2 से करते हैं नाइट मोड के अंदर तो फोटोज बहुत ही ज़्यादा अच्छी और क्रिस्प आती है। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि OnePlus Nord 3 के अंदर नाइट मोड से जो आप फोटोज लेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, जबकि इसी प्राइस रेंज में अगर आप अदर कैमराज के नाइट मोड यूज़ करेंगे वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे एक्सेप्ट द वीवो। वीवो के नाइट मोड में बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है, तो वीवो से मैं नहीं बोलूँगा, बाकी हाँ OnePlus का ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब अगर मैं बात करूँ प्राइस रेंज के बारे में तो ये आपको 25,000 to 30,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। आई एम नॉट 110% श्योर कि इसकी प्राइस रेंज क्या रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू वेरियंट प्राइस रेंज चेंज होगी, बट ये मान लीजिए 30,000 तो ये फ़ोन जाएगा ही जाएगा। सो अगर आप कोई ऐसा फ़ोन परचेज करने की सोच रहे हैं जो 30,000 के अंदर अंदर हो और जिसके अंदर आप बहुत ही अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकें और बहुत ही अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग और बैटरी लाइफ पा सकें, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन के साथ में इस फ़ोन का वेट कर सकते हैं, ये फ़ोन फेब में लॉन्च होगा। सो आज की वीडियो में बस यही था, अगर वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।